और एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मेडलिस्ट की तरह होगा विनेश फोगाट का सम्मान स्वागत, एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा, रजत पदक विजेता की तरह होगा सम्मान। ये बड़ी खबर हरियाणा के मुख्यमंत्री, हमें आप पर गर्व है। विनेश फोगाट के लिए नायब सिंह सैनी ये लिखते हैं, ये उनका पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनका बड़ा बयान, भले ही वो ओलंपिक से बाहर हो गई हैं, भले ही सिल्वर उन्हें नहीं मिल पाया, गोल्ड मेडल नहीं मिल पाया, लेकिन रजत पदक के विजेता की तरह ही सम्मान होगा। और हरियाणा सरकार ये लिखती है कि हमें आप पर विनेश गर्व है, आप हिम्मत मत हारिए, आप चैंपियन हैं, आप खिलाड़ी हैं, आप खिलाड़ी ही रहेंगी, देश आप पर गर्व कर रहा है। ऋषभ शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, एक तो कम शब्दों की ये पोस्ट बता रही है विनेश फोगाट की, हालांकि इस तरह की पोस्ट की उम्मीद नहीं थी कि वो कुश्ती से संन्यास ले लेंगी, लेकिन उस इस पोस्ट में साफ तौर पर झलक रहा है कि वो कितनी टूटी हैं, कितनी आहत हैं, कितना दुख है उन्हें। बिल्कुल आपने सही कहा, देखिए इस वक्त विनेश की तो मनोस्थिति जो है वो अपने आप में ऐसी थी कि वहां पर वो कुछ भी फैसला, ऐसा ही एक आने वाला फैसला उन्होंने लिया है, ये पहला नहीं दूसरा नहीं उनका तीसरा ओलंपिक था, और इससे पहले भी जब वो पिछले दोनों ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया, वो हमेशा से मेडल की दावेदार मानी जा रही थी। लेकिन अगर हम खास तौर से पिछले 3 सालों की बात करें तो विपनेश जैसा वक्त यहाँ पर विनेश फोगाट ने देखा है वो अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला था, बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कि पर्सनल लेवल पर उन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्कालीन अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह के साथ उनकी सेक्सुअल हैरेसमेंट वाले केस की लड़ाई रही हो, तमाम रेसलर्स का प्रतिनिधित्व करना हो, उनके लिए एक फेस ऑफ द पूरा कैंपेन रही हो, और उसके बाद में उन पर बैन लगा दिया गया, इतना सब कुछ करने के बाद उनकी ट्रेनिंग पर असर आया, फिर वेट कैटेगरी उन्होंने अपनी बदली, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, इतना कुछ किया, एक चैंपियन की तरह उन्होंने फाइट दिखाई, और आखिर में जब सब कुछ हो गया, एक नामुमकिन को उन्होंने मुमकिन किया, पहले जापान के रेसलर को हराया, और फिर जब आप गोल्ड मेडल के पास पहुंचे तब आपका वजन बढ़ जाता है। इतनी लंबे संघर्ष को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो सिर्फ विनेश जानती थी कि उन्होंने क्या चीज पिछले 2 से 3 सालों में अपने साथ में किस वक्त को उन्होंने जिया है, और जब ऐसा कुछ हो जाता है, रात भर आप अपना वजन घटाने की कोशिश करते हैं, लगातार एक्सरसाइज करते हैं, अपने बाल काटने की कोशिश करते हैं, अपना खून कम करते हैं, शरीर से नाखून तक काट लेते हैं, तो ये एक फाइट है, और उस फाइट के बाद में जब आप कामयाब नहीं होते तो यहाँ पर उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है, रेसलिंग को हमेशा के लिए अलविदा कहा है, लेकिन जैसा कि हरियाणा के सीएम ने कहा वो एक खिलाड़ी है, हमेशा एक फाइटर मानी जाएंगी, और भले ही उनके नाम ऑफिशियली कोई मेडल ना आया हो लेकिन उनकी अचीवमेंट एक मेडलियन की ही तरह है, एक मेडलिस्ट की ही तरह है, और अभी तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि स्पोर्ट्स कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर विनेश जो है अपनी एक अपील करेंगी, तो जब तक उनका केस खत्म नहीं होता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वो मेडल की दावेदार नहीं है, हो सकता है कि कोर्ट ऑफ लॉ उन्हें इस मेडल का दावेदार माने और उन्हें सिल्वर मेडल भी मिले, लेकिन एक चौंकाने वाला पोस्ट खेल प्रेमियों के लिए बहुत चौंकाने वाली खबर, बहुत चौंकाने वाली खबर है ऋषभ। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया है, मेडलिस्ट की तरह ही विनेश का स्वागत होगा, सम्मान होगा, रजत पदक विजेता की तरह ही उनका सम्मान किया जाएगा, हमें आप पर गर्व है, प्राउड है, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं, मेडलिस्ट की तरह ही हरियाणा की सरकार उनका सम्मान करेगी, भले ही वो फाइनल में नहीं खेल पाई, ओलंपिक से बाहर हो गई, लेकिन उनका सम्मान एक विजेता की तरह ही होगा।